तो दोस्तों अभिषेक के फैंस की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो है वो जाहिर हुआ है और स्टेटमेंट में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर कट सामने आ गई हैं। लेकिन आखिर ये स्टेटमेंट क्यों यूज़ किया गया और क्यों इस तरीके की बातें अभिषेक को लेकर बोली गई और किस लिए ये बात उठी कि भाई अभिषेक जो है वो खुद में एक ब्रांड है। आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी खबर और बताते हैं आपको कि क्या है इसके पीछे की वजह। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूस और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट है गणेश कांत। आपको बता दें दोस्तों कि इस समय अभिषेक कुमार एक ऐसा नाम है जिसको भाई सोशल मीडिया पर हर कोई पसंद कर रहा है, हर कोई चाह रहा है और कहीं ना कहीं इन्होंने एक अलग ही लेवल का अपना जो मुकाम है वो बना लिया है। और दोस्तों इस समय अगर देखा जाए तो अभिषेक के गेम में जो लेवल अप हुआ है, मतलब जब ये अभिषेक बिग बॉस के घर में आए थे तो बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि यार ये बंदा बहुत एग्रेसिव है, या तुरंत चढ़ जाता है, ऊपर आ जाता है, मारने के लिए आ जाता है, या एग्रेसिव नेचर दिखाता है। आज उसी एग्रेसिव नेचर की और उसी सब चीज़ों की भाई जनता दीवानी होती हुई दिख रही है और सपोर्ट कर रही है अभिषेक को, क्योंकि जिस तरीके से समर्थ और ईशा मिलकर पोक करते हैं अकेले अभिषेक को, वो सारी चीज़ें दिखाई गई। और इवन सलमान खान ने खुद इस चीज़ पर, इस मुद्दे पर बात की खास करके और बताया दोस्तों कि किस तरीके से पोक किया जाता है अभिषेक को, या किस तरीके से अभिषेक को इंस्टिगेट किया जाता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो शायद बहुत समय बाद इस तरीके से खुलकर ऐसे बाहर आई हैं और आनी चाहिए भी थी। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों अगर देखा जाए तो बहुत अलग अलग तरीके की बातें जो हैं वो हमको देखने को मिली हैं और बहुत अलग अलग तरीके की बातें जो हैं वो अभिषेक को लेकर हो रही हैं। और उन्हीं में से एक बात ये भी है कि अभिषेक कुमार जो है वो खुद में ब्रांड है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताएगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।